Exercise question 1.15. Consider a uniform electric field E equal to 3 into 10 to power 3 I cap Newton per Coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter sine whose plane is parallel to YZ plane? तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज कि प्लेन जो है वो YZ प्लेन के हमारे पास यहाँ पे पैरेलल बोला गया है. अगर YZ के पैरेलल है तो उसका जो वेक्टर रहेगा, एरिया वेक्टर अगर हम जिसको बोलते हैं वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, वो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में आएगा. तो अगर आप इसको 3D में इमेजिन करें, हमारे पास x, y और z, तो y z प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अलोंग x एक्सिस जो है वो हमारे पास आएगा. और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स अगर हमसे पूछा जाए तो फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ई ए कॉस थीटा के बराबर, और E की वैल्यू जो है वो 3 इंटू 10 टू पावर 3 है. और इसके बाद एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया हमारे पास हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2, 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 और स्क्वायर करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 2, और कॉस 0 डिग्री हमारे पास आएगा. तो सॉल्व करने पे वैल्यू हमारे पास आएगी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम. आंसर जो है वो फर्स्ट पार्ट का आएगा. सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसमें प्रोजेक्शन लेंगे, और अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 60 डिग्री आ जाएगा. E की वैल्यू वही 3 इंटू 10 टू पावर 3 हमारे पास आएगा, एरिया 10 टू पावर माइनस 2, और कॉस 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है. तो आंसर 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम हमारे पास आएगा.